पूरी सुरक्षा और एहतियात के साथ। इटली की कॉफी का स्वाद अब सागर में, वो भी फास्ट फूड, चटपटी चाट, शेक, जूस और आइसक्रीम के साथ। कॉफियानो द इटालियन कॉफी शॉप, पता अप्सरा कॉम्प्लेक्स, परकोटा तिराहा, सागर, मध्य प्रदेश। उमरिया जिले के बिरसिंहपुर पाली में बिहारियों ने छठ पूजन का पर्व बड़े ही धूमधाम से मनाया। पाली के मल्होत्रा घाट में सभी महिलाएं आधे पानी में डूबकर संतान की लंबी कामना और संतान प्राप्ति के लिए व्रत का पालन करते हुए उन्होंने पूजा अर्चना की। वहीं इस त्योहार के बारे में व्रत रखने वाली महिलाओं ने बताया कि ये त्योहार 3 दिनों तक मनाया जाता है, जिसमें पहले दिन लौकी भात, दूसरे दिन खीर और तीसरे दिन 24 घंटे निर्जला रहकर ये व्रत रखा जाता है। ये त्योहार मुख्य रूप से संतान की सुख समृद्धि के लिए किया जाता है। इस व्रत की विशेषता ऐसी मानी जाती है कि जिसके यहाँ पर संतान ना हो तो उसे इस व्रत को रखने से संतान की प्राप्ति होती है। यह छठ का व्रत महापर्व का त्यौहार है। ये उत्तर प्रदेश और बिहार के लोग ही मनाते हैं और इसको स्त्री और पुरुष दोनों ही मनाते हैं, लेकिन ज़्यादातर स्त्रियां ही मनाती हैं। और यह पर्व 3 दिन का होता है। एक दिन लौकी भात का होता है और दूसरा दिन खीर पूड़ी का होता है और तीसरा दिन यह पर्व पूरे 24 घंटे का व्रत रखती है। स्त्रियां 24 घंटे का व्रत रखती है और यह अक्सर पुत्र के लिए ही व्रत किया जाता है। इस व्रत को करने से पुत्र और पति की लंबी आयु के लिए व्रत किया जाता है और यह व्रत अगल बगल के लोगों के साथ मिल करके ही किया जाता है और जितने प्रकार के पकवान और फल फ्रूट चढ़ाए जाते हैं और यह महिलाएं तीन दिन साफ सफाई करके अक्सर जमीन पे ही सोती हैं और बांस का डाला, सूपा, दिया, कलश सब कोरा कोरा ही पूछती है। यहाँ तक कि अपनी आस्था को लेकर के अपना मनोकामना की पूर्ण करने के लिए तालाब या गंगा जी में गले तक पानी में डूब करके यह व्रत करती है। इस व्रत को करने से हमारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं, इसीलिए ये छठ का व्रत मनाया जाता है। छठ महापर्व संतान सुख, शरीर, मन और आत्मा की शुद्धिकरण के लिए मनाया जाता है। छठ महापर्व मनाने से संतान की प्राप्ति होती है। जिसको संतान नहीं होता संतान प्राप्त होती है, जिसका सम्मान रहता है उसको संतान सुखी रहती है। पुराणों में मान्यता है कि राजा चित्रसेन को संतान नहीं थी। मुनि कश्यप ने उनको यज्ञ करने के लिए कहा, यज्ञ करने के बाद उनको संतान प्राप्त हुई, लेकिन संतान को मरी हुई संतान प्राप्त हुई, तो पुत्र के विछोह में उन्होंने शरीर त्याग दिया। इस घटना के बाद ब्रह्मा की पुत्री चित्रसेन अवतरित हुई और उन्होंने छठ महापर्व करने का आग्रह किया। जब राजा ने छठ महापर्व किया तो उनको पुत्र प्राप्त हुआ। इस तरह पुत्र प्राप्ति के लिए छठ का त्यौहार मनाया जाता है। किस प्रकार से यह त्यौहार मनाया जाता है, क्या नियम कानून है? यह छठ त्यौहार 3 दिन का व्रत होता है। पहला नहाए खाए रहता है, लौकी भात खाते हैं, इसके बाद खीर खाते हैं, तीसरे दिन पूरा निर्जला व्रत रहते हैं। 3 दिन का इस तरह 3 दिन व्रत रखा जाता है। उमरिया से राजकुमार गौतम, सागर टीवी न्यूज। पूरी सुरक्षा और एहतियात के साथ इटली की कॉफी का स्वाद अब सागर में, वो भी फास्ट फूड, चटपटी चाट, शेक, जूस और आइसक्रीम के साथ। कॉफियानो द इटालियन कॉफी शॉप, पता अप्सरा कॉम्प्लेक्स, परकोटा तिराहा, सागर, मध्य प्रदेश।